हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आज है मेरा अभी सुबह में स्टार्ट हो रहा है और आज का वीडियो आज ही पड़ेगा क्योंकि कल नहीं स्टार्ट था और वीडियो स्टार्ट थोड़ा सा इसलिए भी नहीं हो पा रहा, कुछ हमारी व्यस्तता है जो एक दिन पहले नहीं हो पा रही है, कुछ बच्चों की जो क्लास वगैरह है, होमवर्क वगैरह है, तो एक ही मेरी मोबाइल है, इसी मोबाइल पे आती है, तो बच्चों की तीनों का होमवर्क, ऑनलाइन क्लास, कई चीज़ें ऐसे, ये तीनों लोग का ऐसे है, तो इसीलिए मेरा वीडियो भी स्टार्ट नहीं हो पाता है। और अभी जस्ट मैं वीडियो इस समय सुबह में स्टार्ट कर दे रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह अभी तो होगा नहीं क्लास, क्लास होगा 9 से 9:15 तक, फिर उसके बाद होगा 10:30 से 11:30, फिर उसमें जो होमवर्क आता है वो होमवर्क वगैरह करना रहता है, तो इसी कारण मेरा ब्लॉग तो सुबह से पूरे दोपहर से आज से नहीं स्टार्ट हो पाता है और मैं भी काम में रह जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। और मैं आप लोग के साथ एक चीज़ और अपना शेयर की थी, कल रात का ही मैं रात का ही था जो डिनर था, जो मैं आप लोग से बता रही थी कि मैं आप लोग से थाली ज़रूर शेयर करूँगी, तो हाँ थाली को शेयर की हूँ, बट उसमें एक सब्ज़ी मेरे यहाँ की नहीं है, बाकी सब मेरे यहाँ की ही है। और वो चीज़ें जो मैं बोल रही थी कि हाँ शेयर कर दूँगी, तो उसे शेयर आज में कर दी, मुझे याद आ गया था और रात को उसमें मोबाइल खाली था तो मैं रिकॉर्ड कर ली थोड़ा सा कि लाइए आप लोग के साथ मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो गाइस देखिए, आज मैं अपने घर के जो थाली है भोजन की वो मैं परोस बता दिखा दे रही हूँ आपको। ये सब्ज़ी अलग से आई है और ये मेरे घर में बनी है, और एक आलू की भुजिया बनी है जो मैं नहीं इसमें रखी हूँ क्योंकि पापा जी को आलू की भुजिया नहीं दे सकती, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। साइड में है ये देखिए, आलू की भुजिया है, बच्चों ने खा ली है, वही बन चुकी। तो इतनी सब्जियाँ डेली का डेली, बस एक ये छोड़ दीजिए, बाकी और सारी हम ही को बनाना रहता है, करेला ये वो ये। वैसे यहाँ का सुबह का मैं आज गेस्ट रूम में आके बैठ गई हूँ, अभी मैं जस्ट पेपर पढ़ रही थी और पेपर पढ़ी तो मैं ब्लॉग को स्टार्ट की थी, तो पेपर पढ़ चुकी हूँ तो मैं अभी बाबू को उठाने जा रही थी। ये देखिए बाबू मेरा यहाँ सोया है पापा के रूम में आके, मैं जब अपने रूम से इसे उठाती हूँ तो ये भाग के आता है सीधे पापा के रूम में सो जाता है यहाँ पे। ये देखिए बाबू उठो उठो। तो आज सुबह का नाश्ता मेरा बनेगा क्या? मैगी। और तो आज सुबह की मेरे नाश्ता बनेगा मैगी। और मैं आ सुई हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कुछ करने जा रही थी पढ़ने की, और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ सुबह से ही। समय बज रहे हैं 8 और पापा जी का नाश्ता हो गया, पापा जी गए स्कूल का, उनका अपना जो काम रहता है वो डेली का स्कूल उनका जाना रहता है, तो पापा जी स्कूल चले गए। अब बच्चों के लिए बनाना है मुझे मैगी और मैं अभी ये काम स्टार्ट कर दी, तो अब चल रही हूँ मैगी बनाऊँगी और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना है, देखते हैं होता है या नहीं होता है आप लोग के साथ जरूर। और हाँ एक चीज़ और मैं बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कब बन जाता है कब नहीं, अगर अब बनेगा तो जल्द ही वैसे कोशिश करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने का। तो मैं मोमोज बनाने के चक्कर में हूँ, मोमोज बनाने का मन कर रहा है बट अभी नहीं मिल पा रहा समय, कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं सब्ज़ी ले ली थी पत्ता गोभी वगैरह जो कि मुझे बनाने का मन कर रहा था लेकिन उस समय नहीं बनाई, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मन नहीं किया, नहीं बनाई, लेने के बाद भी छोड़ दी। तो अभी देखती हूँ कब तक वो रेसिपी आप लोग के साथ मैंने वो शेयर कर सकती हूँ, बना सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ। और एक चीज़ है जो मेरा स्टैंड था बर्तन का, मैं दिखा दे रही हूँ, वो आ चुका है, अभी सेट नहीं हुआ है, बस यहाँ पे मैं रख दी हूँ एक साइड में क्योंकि अभी काम चल इस तरीके से चला है, मैं इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ किसी भी दीवार पे अपने वो ड्रिल मशीन से छेदा कराना, क्योंकि जब हमें मॉडलर किचन बनवाना होगा बॉक्स वगैरह तो दिक्कतें होगी और जगह जगह छेदा वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इसी कारण मैं कुछ भी कहीं भी होल या कोई भी काटे लगवाना नहीं चाह रही हूँ, इसीलिए सब इसी तरीके से पड़ा है। अब देखते हैं कब तक ऐसे पड़ा रहता है, कहाँ तक, तो ज़रूर जैसा होगा वैसा, क्योंकि आरओ का जगह तो जो था वो तो वहीं पे रहेगा, उसको तो कोई हटाना करना है नहीं,
उसके बस थोड़े से बॉक्स वगैरह जब रहेंगे तो सेट हो जाएगा हटा के, बट बाकी सारी चीज़ें के लिए सोचना है, तो इसी हिसाब से मैं कुछ भी नहीं अभी कर रही हूँ। और कई चीज़ें जो दिक्कत हो रही है मुझे अभी धीरे धीरे सही हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है, जब स्टार्टिंग रहता है तो उसे। तो गाइस अब चल रही हूँ मैं मैगी बनाने, जो मैगी आप लोग के साथ आज लंच बनाने, और मैगी बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं मैगी का पैकेट रखा, और मेरे फूल पीछे मैगी, तो मैं आपको मैगी दिखा दे रही हूँ कितनी मैगियाँ हैं। ये मैगी है और मैं सरसों तेल, शुद्ध सरसों तेल, और ये है प्याज, ये है मेरे टमाटर, और एक बस वन मिर्ची, और ये है मेरे हैंड साफ करने की तौलिया। तो गाइस यहाँ देखिए अब मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, और मेरे चेहरे पे क्यों अजीब सा दिख रहा, तो ये भी मैं कारण बता देती हूँ आप लोग को क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मेरे किचन में जो शीलिंग का वो होता है, लाइट होता है, बस वही अभी है, और वो वाला लाइट एलईडी बल्ब वगैरह नहीं लगा है, तो बस नीचे कोई भी उजाला इस तरीके से नहीं है। तो मैं एक दो दिन में इस पर एक एलईडी बल्ब लगवाऊँगी, जिससे उजाला अच्छी आएगी, तभी वीडियो अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिखाता है, और कैमरे को भी कुछ कलर इस तरीके से दिखाने लगता है। और यहाँ पे मैं मैगी फटाफट फाड़ रही हूँ, चार पैकेट है, तो यहाँ टमाटर है, प्याज मैं डाल दी हूँ, तो मैं इसे भून रही हूँ, और ये है मसाला, थोड़ा सा मैं राजेश मसाला डालते हुए, जो हमारा गरम मसाला होता है उसे मैं ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैगी मसाला भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, मैगी मसाला जितना है उतना ऐड कर दूँगी, थोड़ा नहीं, हाँ चार पैकेट है, चारों में चार पैकेट है ये, तो उसको और राजेश मसाला को मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, फिर भूनने के बाद मैं दिखा रही हूँ, मैं साथ साथ में चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि चाय मैं छान ली थी, ये मेरी चाय दूसरी कप है, और एक कप चाय हो चुकी है सुबह 6 बजे का, और इस तरीके से चेहरे लग रहा है, तो आप लोग भी चाय पीना हो तो आ जाइए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं मैगी का कार्यक्रम फटाफट बनाने में लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत काम है, अभी झाड़ू पोछा वगैरह जो सारे काम है ये सब हैं, तो मैं पहले मैगी का काम कर लूँ, क्योंकि बच्चों को अभी वो जाना है क्लास करने के। तो यहाँ पे देखिए मैं मैगी डाल दी हूँ, मैगी अब डालने जा रही हूँ, टमाटर पड़ गया है, मसाले पड़ गए हैं, जो अब मैगी मसाला जो है उसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेंगी, और भूनने के बाद मैं मैगी को डाल दूंगी, मैगी पानी, क्योंकि बच्चों को क्लास करना ही है, तो 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ कि बच्चे नाश्ता करके उसके बाद ही पढ़ने बैठें, नहीं तो फिर 9 से क्लास चलेगा 10 बजे तक, फिर 10:15 बजे चलेगा 11:15, तो बच्चों को बीच में टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हूँ, और मेरा कैमरा काफ़ी गड़बड़ इसमें दिखाई इस समय दे रहा है वो लाइट की वजह से, तो उस लाइट को मैं ज़रूर लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं मसाले को फटाफट भून रही हूँ, तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करते रहिए। Thank you.
साइड मेरी मैगी हो रही है, एक साइड दूध है। चलिए तो यहाँ देखिए मेरी ये मैगी के मसाले तैयार हो गए हैं और मैं चलती हूँ इसमें मैगी डालने। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, आपको प्लीज आप लोग को भी खाने का मन कर देगा अगर स्मेल आप लोग तो पहुँचती तो, लेकिन नहीं पहुँचेगी। तो चलिए देखिए अब मैं चलती हूँ इसमें मैगी डालने और मैगी डाल के फिश बनाती हूँ। और यहाँ मैं अपने मैगी को तोड़ लेती हूँ, टुकड़ा टुकड़ा कर देती हूँ, छोटा टुकड़े में कर दूँगी। तो फिर मैं इसे करके अब मैं चल रही हूँ मैगी को उसमें डाल देती हूँ, और डालने के बाद फिर मैं अब इसमें पानी को ऐड कर देती हूँ। इतना ही पानी इसमें डालूँगी जितना हो, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को मैगी का जो रसे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं, तो कभी काल मैं अधिक कर देती हूँ, कभी काल नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बच्चों के भी पसंद से ना पसंद भी हो जाता है जब उन लोग को उसके रसे नहीं मिलते हैं तो इससे लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट वही काम कर रही हूँ और मैं अभी इसे कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा लंच बनाना भी बाकी है। चावल दाल सब्जी रोटी जो बनाना है वो चारों चीज़ अभी बाकी है। यहाँ मैं मैगी में पानी वगैरह सब ऐड कर दी हूँ, अब मेरा मैगी पकता रहेगा। और मैं चली हूँ बाबू को उठा देती हूँ, बाबू मेरा सो रहा है और दोनों बच्चियाँ उठ के इस समय मंजन वगैरह करके तैयार हो रही हैं क्योंकि क्लास करना है। तो यहाँ पे मैं नमक और मुझे नमक का पैकेट अपना खोलना है। गाइस मैं अब इसमें नमक ऐड करने के बाद मैं अब बंद करती हूँ वीडियो, नहीं काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना न्यू वीडियो के साथ।